गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज को। यहाँ मैंने सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी है। सीक्वेंस इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मेंबर्स और टर्म्स इन ए स्पेसिफिक वे। इसका क्या मतलब है कि सीक्वेंस एक टर्म्स की कलेक्शन है जिसको स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हर नंबर है पिछले नंबर का दुगना हो रहा है, यानी कि टर्म्स हमें कैसे मिल रही है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 2, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है a1 से डिनोट की गई है और उसकी वैल्यू कितनी है, 2। और जो सेकेंड टर्म है वो है a2 इज इक्वल टू 4, और इसी प्रकार a3 हमारे पास थर्ड टर्म, a4 इज द फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। व्हाट अबाउट nth टर्म? nth टर्म क्या है? तो अगर इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा an, और an की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे, इट इज इक्वल टू 2n। n की वैल्यू अगर 1 होगी तो यहाँ वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू 4 बन जाएगी, और इस प्रकार से हर टर्म हमें यहाँ n की वैल्यू डाल देने पर टर्म्स प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए, जो ये हमारे पास टर्म थी, इसमें जो nth टर्म है उसको लिखा जाता है जनरल टर्म। तो ये हमारी जो जनरल टर्म है पूरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है, एक हमें फॉर्मूला बताती है कि जो टर्म्स हैं वो आपस में किस प्रॉपर्टी से या किस फॉर्मूले से रिलेट हो रही हैं। तो यानी कि ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि सीक्वेंस किसको कहती है। सीक्वेंस इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड टर्म्स और मेंबर्स इन ए स्पेसिफिक वे। तो यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि जो सीक्वेंस है इसमें जो टर्म्स हैं कॉमा के साथ सेपरेट हो रही हैं, और यहाँ भी अगर आप ध्यान देंगे ये टर्म्स बढ़ती जा रही हैं, हमें नहीं पता कि इसकी लास्ट टर्म क्या होगी। ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इनफाइनाइट हो, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ हमारे पास दो तरह की सीक्वेंस होगी, एक तो इनफाइनाइट सीक्वेंस, सेकेंड है फाइनाइट सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट में क्या डिफरेंस है? फाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है, और ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, दे आर ऑड नंबर्स। तो ये एक हमारे पास ऐसी सीक्वेंस है जो ऑड नंबर्स की सीक्वेंस है, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है, काउंट कर सकते हैं हम टर्म्स को। तो ये हमारी सीक्वेंस कौन सी होगी, फाइनाइट सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस की एग्जांपल हम नेचुरल नंबर्स की भी दे सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में हमें पता है कि ये अनलिमिटेड होते हैं, इनमें हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म कौन सी होगी। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस में ये डिफरेंस है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिनेशन सीरीज की। जो ये हमारे पास टर्म्स थी a1, a2, a3 अप टिल a, ये हमने सीक्वेंस के अंदर पढ़ा कि ये नंबर ऑफ टर्म्स है सीक्वेंस की। लेकिन इन टर्म्स के बीच में अगर हम प्लस साइन लगा देते हैं तो ये क्या बन जाती है, सीरीज। यानी कि सीरीज क्या है, दिस इज अ सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। लेकिन अगर हम इसको जोड़ देते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ये एग्जांपल है 1 + 3 + 5 + 7, ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर इसको हम टोटल कर दें, इसका एडिशन कर दें, 4 + 5 = 9 + 7, दिस इज इक्वल टू 16, तो ये जो 16 है दैट इज नॉट अ सीरीज, ये सीरीज नहीं है। सीरीज हम इसी को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है और उनको ऐड किया जाता है, ये हमारे पास सीरीज नहीं है। ये हमारे पास क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एज सम ऑफ सीरीज, क्योंकि ये एक नंबर है। जो 16 आया है ये एक नंबर आया है, नंबर किसका आया है, सीरीज के सम को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो इसीलिए जो हमारे पास सीरीज है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का होना जरूरी है, और जो टर्म्स हैं
वो एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो हमारे पास सीक्वेंस थी A1, A2, A3 up till AN, ये टर्म्स जो हैं सीक्वेंस की होती हैं और इनके बीच में अगर प्लस साइन लगा देते हैं तो वो हमारे पास सीरीज बन जाती है। तो ये हमारे पास जो दो डेफिनेशन थी सीक्वेंस एंड सीरीज की, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है। थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है कि जो सीरीज है वो सीक्वेंस से ही निकली है। सीरीज सीक्वेंस के बीच में अगर हम हर टर्म के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं तो क्या बन जाती है हमारे पास, सीरीज। तो देखिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज के, बुक हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी और चैप्टर नेम इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चैप्टर हमारा 9th है, एग्जांपल फर्स्ट, एन इज इक्वल टू 2n+5, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है। तो इसमें करना क्या है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। तो ये जो हमारी सीक्वेंस है इसमें हमने फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है A1, A2, A3। तो ये 3 टर्म्स है जो हमारी, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास n लिखा हुआ है, यहाँ हमने क्या लिखा है 1, यानी कि अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू 1 चाहिए। तो n की वैल्यू जब हम 1 रिप्लेस करेंगे इक्वेशन के अंदर तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई 7, m की वैल्यू 2 भरने पर क्या आएगा 2 × 2+5, नाउ इट इज इक्वल टू 9। m की वैल्यू 3 लेंगे तो 2 × 3+5 एंड दैट इज इक्वल टू 11। तो आंसर में हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या है 7, 9, 11। तो इसी प्रकार जो इसका सेकंड पार्ट है आपको ट्राई करेंगे। नाउ व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल, राइट द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल टू n-1 n-2-n इनटू में है 3+n। तो देखिए इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म, तो इसमें हमने कोई टर्म्स अलग अलग टर्म्स नहीं निकालनी, सिर्फ एक ही टर्म निकालनी है A20, यानी कि 20 टर्म के लिए m की वैल्यू हम क्या भरेंगे 20, तो A20 की वैल्यू आएगी हमारे पास 20-1 2-20 3+20, तो ये हमारे पास आएगा 19 × −18 × 23। ये कैलकुलेशन हमारे पास आएगी 7866। तो ये हमारे पास क्या आई है सीक्वेंस की 20th टर्म आई है। तो देखिए सीक्वेंस जो है काफी हेल्पफुल है, अगर हमने कोई टर्म्स हमारे पास अगर पर्टिकुलर ऑर्डर में दी हुई है और उस सीक्वेंस के अंदर हमने कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास थर्ड एग्जांपल, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास दी हुई है और एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और उसमें हमने क्या निकालना है, फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। इन थर्ड एग्जांपल A1 इज इक्वल टू 1, AN इज इक्वल टू AN-1+2 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि m की वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ी होने पर हमारे पास ये सीक्वेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि A1 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है A2, यानी कि m की वैल्यू हम क्या लेंगे 2। इस इक्वेशन के अंदर हमने m की वैल्यू 2 को रिप्लेस किया तो यहाँ आएगा A1+2, यानी कि A1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो 1+2 = 3। तो इसी प्रकार n की वैल्यू 3 लेने पर हमारे पास आएगा A2+2। अब A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3, तो 3+2 = 5। तो यहाँ अब ये भी, यहाँ इसी इक्वेशन को भी आप देखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी टर्म हमने फाइंड आउट करनी है उसके पिछले टर्म में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट हो जाती है। तो यानी कि अगर हमारी फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे
थ्री आया, थ्री में टू जोड़ेंगे फाइव आया, तो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या आएगा सेवन। तो ये भी आप देखेंगे कि जब n की वैल्यू आपने फोर लेनी है तो क्या आंसर आता है, इट इज a3 प्लस टू। a3 हमारे पास कितना था फाइव, तो फाइव प्लस टू कितना हुआ सेवन। तो यही हमने देखा था कि जो हर टर्म है पिछले टर्म से दो जोड़ने पर फाइनल होती है। तो लास्ट टर्म है हमारे पास n5, n5 क्या आएगा a4 प्लस टू, तो यानी कि सेवन प्लस टू दैट इज इक्वल टू नाइन। तो आंसर में हम टर्म्स को लिख देंगे वन थ्री फाइव सेवन नाइन। तो ये सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म पिछले टर्म से दो प्लस हो रही है और स्पेशल ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है 9.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1। An हमारे पास क्या दी हुई है m into n plus 2। तो इसमें भी हमने फर्स्ट फाइव टर्म्स फाइनल करने हैं, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह आप प्रोसीड करेंगे, n की वैल्यू 1 लेंगे फिर n की वैल्यू 2 लेंगे। तो अगर n की वैल्यू आप 1 भरते हो यहाँ पे क्या आएगा 1 into 1 plus 2 तो it is equal to 3, n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 into 2 plus 2 तो 2 into 4 that is equal to 8। तो इस तरह से आप सारी टर्म्स को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला या एक पैटर्न दिया होता है और उसके अकॉर्डिंग हमने टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी n की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो a1 क्या आएगा 1 बाय 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2। n की वैल्यू 2 लेंगे तो a2 क्या आएगा 2 बाय 2 प्लस 1। देखिए ये हमारे पास an है, एन यानी कि ये जनरल टर्म है, तो किसी भी सीक्वेंस की ये आप जान कह सकते हो कि जो जनरल टर्म है उसी से हम कोई भी टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2.3 आ जाएगा, एम की वैल्यू 3 लेंगे तो ए 3 क्या आएगा 3 बाय 3 प्लस 1 तो 3 बाय 4, और इसी तरह से आप फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी में एक थर्ड क्वेश्चन है हमारा, an इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। अब इसमें क्या होगा, देखिए जस्ट पावर ही और कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो a1 आएगा 2 की पावर 1 यानी कि आंसर क्या आया 2। n की वैल्यू जब आप 2 लेंगे तो a2 क्या आएगा 2 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, और n की वैल्यू जब आप 3 लेंगे तो a3 आएगा 2 raised to power 3 that is equal to 8 and so on। यानी कि जो हमारे आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे 2, 4, 8, 16, 32 and so on। लेकिन टर्म्स हमें 5 ही चाहिए तो आप ये 5 आंसर अपने आंसर में लिखेंगे। तो देखिए हर टर्म जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, या ये भी कह सकते हो कि 2 की पावर्स में है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 4, और जो फिफ्थ टर्म आएगी वो क्या आएगी 2 की पावर फाइव। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज -1 रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू में है 5 रेज टू पावर एन प्लस 1। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ए एन क्या है -1 रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू में है 5 की पावर एन प्लस 1। तो यहाँ भी आप m की वैल्यू 1 लेंगे तो a1 क्या आएगा -1 रेज टू पावर 1 माइनस 1 इंटू में 5 की पावर 1 प्लस 1। देखिए यहाँ पे जो n है हमारे पास दो जगह पे है, -1 की पावर में भी n माइनस 1 है और 5 की पावर में भी n प्लस 1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इनटू में 25 तो इट इज इक्वल टू 25, एन की वैल्यू 2 तो ए 2 हमारे पास आएगा -1 की पावर 2 माइनस 1, 5 की पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ पावर कितनी आएगी -1 की पावर 1 आएगी और 5 की पावर 3 आएगी। तो -1 की पावर जो 1 है वो नेगेटिव साइन आएगा और 5 की पावर 3 जो है वो आएगा
125, माइनस में m की वैल्यू 3 लेने पर a 3 माइनस 1 की पावर। अब यहाँ जब 3 माइनस 1 करेंगे तो स्क्वायर आएगा और 5 की पावर 3 प्लस 1, तो माइनस 1 की पावर जो 2 है हमें प्लस साइन देगी और 5 की पावर जो 4 है वो आएगा 625। तो इस तरह से आपने बाकी जो टर्म्स हैं दो a4 a5 इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो इसका जो सिक्स पार्ट है आपको ट्राई करेंगे। देखिए जो सेवंथ क्वेश्चन है इसमें हमारे पास am दी हुई है, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द ईच ऑफ सीक्वेंस हुज mth टर्म्स आर। तो इसमें हमने सिर्फ दो टर्म निकालनी है क्योंकि हमारे पास स्पेशल टर्म लिखी हुई है कि a17 a24 फाइनाइट टर्म। an इज इक्वल टू 4n माइनस 3, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है a17 एंड a24। तो क्या जरूरत है हमें, n की वैल्यू 17 भरने की जरूरत है और n की वैल्यू 24। तो देखिए जब हम पहले n की वैल्यू 17 भरेंगे तो 4 इंटू 17 माइनस 3, तो 4 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आएगा 68, तो 68 माइनस 3 विल गिव यू 65। इसी प्रकार यहाँ पे 24 है तो 4 इंटू 24 माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा 96 माइनस 3, तो आंसर आएगा 93। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, स्पेशल दो हमने टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू भर देंगे। इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर अलग क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे। और चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में क्या है, a1 हमें दिया हुआ है और an हमारे पास उस 3 इंटू an माइनस 1 प्लस 2 की फॉर्म में है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। देखिए ये क्वेश्चन हमारा एग्जांपल की तरह है, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करनी है, सीरीज भी फाइंड आउट करनी है। सीरीज क्या होती है, जो हमारे पास सीक्वेंस आएगी उसी के अंदर हम क्या करेंगे, प्लस के साइन लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, सीरीज। तो 11th क्वेश्चन में a1 क्या है 3 और an क्या है, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स an माइनस 1 प्लस 2 वेयर n इज ग्रेटर देन 1। तो n की वैल्यू हम 2 लेंगे, तो a2 इज इक्वल टू 3 a1 प्लस 2। देखिए जब n की वैल्यू यहाँ पे आप 2 भरेंगे तो a2 माइनस 1, 2 माइनस 1 विल गिव यू a1, तो 3 इंटू a1, a1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये आंसर आएगा 11। m की वैल्यू जब आप 3 लेंगे तो a3 आएगा 3 इंटू a3 प्लस 2, तो 3 इंटू 11 सॉरी यहाँ पे a2 3 इंटू 11 प्लस 2 इट विल गिव यू 35। m इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू a3 प्लस 2, तो 3 इंटू 35 प्लस 2। तो यहाँ पे आपने a3 की वैल्यू फिलअप करनी है, a3 हमारे पास कितना कैलकुलेट हुआ था 35, तो 3 इंटू 35 105 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 107। तो इसमें हमने फिफ्थ टर्म क्या निकालनी है, a5, तो 3 इंटू a4 प्लस 2, तो 3 इंटू a4 कितना है हमारे पास 107, तो जब 107 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 351 प्लस 2, तो ये आएगा 353। तो जो हमारे पास सीक्वेंस आई है वो आई है 3, 11, 35, 107 एंड 353। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, लेकिन अगर इसको हमने सीरीज में कन्वर्ट करना है तो सीरीज क्या बनेगी, सीरीज विल बी 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 353। तो ये हमारे पास
सीक्वेंस आएगी, सॉरी सीरीज आएगी। तो सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे पास सीक्वेंस के अंदर टर्म्स होती हैं उन्हीं को जब हम जोड़ देते हैं या प्लस का साइन लगा देते हैं तो वो हमारे पास सीक्वेंस बन जाती है। इसी प्रकार जो आप 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, और इसके बाद हमारे पास 14th क्वेश्चन, फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि जो फिबोनाची सीक्वेंस है वो क्या है और हमने उसमें क्या फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये दिया हुआ है कि 1 = a1 = a2, और ये हमारे पास दिया हुआ है an = an-1 + an-2 एंड n इज ग्रेटर देन 2। तो वैसे फिबोनाची सीक्वेंस किसको कहते हैं, उसमें ये होता है कि पहली टर्म हमारे पास 1 होती है, और ये हमें बताती है कि कोई भी टर्म अगर हमने निकालनी है तो वो क्या होगी, पिछले दो टर्म्स का एडिशन होगी। तो अगर हमारे पास पहली टर्म 1 है तो अब जो अगली टर्म है इसमें तो कुछ भी और नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसकी पिछली टर्म नहीं है, तो हमारे पास अगली टर्म 1 ही रह जाएगी। अब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 2। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारी फिबोनाची सीक्वेंस होती है जिसमें हम जो भी टर्म हमने निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट होती है, पिछले दो टर्म्स को ऐड करने पर। तो ये थी डेफिनेशन फिबोनाची सीक्वेंस की। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है an+1 / an फॉर n = 1 2, 3, 4, 5। यानी कि अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये कैलकुलेट करना है जब n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो n = 1 के लिए हमारे पास a1 क्या आएगा, 1। तो अगर आप इसी के अंदर फिल करेंगे तो ये देखेंगे ये बनेगा a1+1/1 यानी कि a2/a1। तो a2 की वैल्यू हमारे पास 1 है और a1 की वैल्यू भी 1 है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। अब हमने कैलकुलेट करना है n की वैल्यू 2 के लिए। तो यहाँ 2+1/a2 यानी कि अब हमें क्या चाहिए, a3 और a2। अब हमें a2 तो पता है कि a2 की वैल्यू 1 है, लेकिन अभी हमें a3 की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे a3 की वैल्यू के लिए, तो जो हमारे पास an ये इक्वेशन दी हुई है जनरल टर्म निकालने की। जनरल टर्म क्या कहती है कि ये जो जनरल टर्म है पिछले दो टर्म्स का एडिशन है, यानी कि अगर हमने a3 फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, a2+a1 का सम होगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब n की वैल्यू आप 3 डालेंगे तो यहाँ 3-1 a2 आएगा और यहाँ 3-2 a1 आएगा, यानी कि a2 और a1 का एडिशन है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 1+1 = 2। तो यहाँ हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 2/1 = 2। नेक्स्ट है हमारे पास n की वैल्यू 3, तो यहाँ हमारे पास 3+1 / a3 तो a4/a3। अब a3 की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, a4। तो a4 क्या आएगा, a3+a2 यानी कि जो a4 है अपनी पिछली दो टर्म्स का एडिशन है। तो a3 कितना है, 2, a2 की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ हमारे पास a4 की वैल्यू क्या आई है, 3, तो ये आंसर आएगा 3/2। तो इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू 4 के लिए। n की वैल्यू जब 4 आएगी तो यहाँ पे आएगा a4+1/a4 तो यहाँ बनेगा a5/a4। अब a4 की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, लेकिन जब हमें a5 कैलकुलेट करना है तो इट इज अ सम ऑफ
a4 plus a3. So 3 plus 2, that is equal to 5. तो ये हमारे पास आएगा 5 by 3. तो so, m की वैल्यू क्या है? 5. तो यहाँ आएगा a6 by a5. तो so, a5 की वैल्यू हमारे पास 5 है. और जब हमने a6 को कैलकुलेट करना है, तो इसकी पिछली दो टर्म्स का एडिशन आएगा. a5 की वैल्यू 5 आई है और a4 की वैल्यू है 3. तो इट इज इक्वल टू 8. तो इसका आंसर आएगा 8 बाय 5. देखिए, ये एक फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर एक स्पेशल हमें ये कहा गया था कि ए एन प्लस वन डिवाइड बाय ए एन, ये कैलकुलेट करो. तो इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी टर्म्स को आपने फाइंड आउट कर लेना है और इसके बाद आपने डिवीजन लेनी है. तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है सीक्वेंस एंड सीरीज के. जो फर्स्ट एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े हैं, वो आपके लिए एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.